विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA का लोगो जल्द ही सामने आने वाला है। दरअसल इस गठबंधन की अहम बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को हो रही है। ऐसे में संभावना यह है कि बैठक के दौरान गठबंधन के लोगों का अनावरण कर दिया जाएगा। लोगो कैसा होगा, उसका अनावरण जब तक होगा, इससे पहले कई सारी बातें INDIA गठबंधन को लेकर हो रही हैं। इस विपक्षी गुट की पहली बैठक जून में पटना में हुई थी और दूसरी पिछले महीने बेंगलुरु में। सूत्र ये कह रहे हैं कि मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक में 26 से अधिक राजनीतिक दलों के लगभग 80 नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। वर्तमान में 26 दल समूह का हिस्सा है और 2 दिवसीय बैठक के दौरान कुछ और दल गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित मोर्चे के कई बड़े नेता 31 अगस्त शाम 6 बजे के आसपास मुंबई में होंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना के उद्धव ठाकरे 31 अगस्त को उपनगरीय मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए रात्रि भोज की मेजबानी भी कर रहे हैं। अगले दिन होटल में बैठक आयोजित की जाएगी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में जैसे हुई थी उसी तरीके से। विपक्षी नेताओं के लिए 1 सितंबर को दोपहर के भोजन का आयोजन भी किया गया है। सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 सितंबर को बैठक के बाद मध्य मुंबई में प्रदेश कांग्रेस का जो मुख्यालय है तिलक भवन, वहां भी जाने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कार्यक्रम जो है वो इसमें थोड़ा सा रीशेड्यूल हो, पर अभी तक यही एक जो शेड्यूल बना है वो ऐसा ही बताता है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस बैठक का हिस्सा होंगी और 31 तारीख को वो भी मुंबई पहुंची हुई दिखाई पड़ेगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में आने वाले अतिथियों के लिए रात्रि भोज की मेजबानी करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। अगले दिन ठीक उसी स्थान पर वहां बातचीत होगी, उनकी बैठकें होंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साझा आयोजित होगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की राज्य और मुंबई इकाइयों ने विपक्षी नेताओं के लिए दोपहर का भोजन भी आयोजित किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 सितंबर को बैठक के बाद जो कांग्रेस का मुख्यालय है मुंबई में तिलक भवन के पास, वहां भी जाने वाले हैं। जो एक आकलन बताया जा रहा है उसके अनुसार कांग्रेस के समर्थन में शिवसेना और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और NCP के शरद पवार गुट द्वारा संयुक्त रूप से ये बैठक आयोजित की गई है और महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है वही इस बैठक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पिछली बैठकें जून में पटना और पिछले महीने बेंगलुरु में हुई थी, जैसा कि आप सब जानते हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गुट को भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी INDIA के रूप में पेश किया था। 11 सदस्यीय समन्वय समिति की योजना और आगामी मुंबई बैठक में एक संयोजक के चयन की घोषणा हुई थी। उम्मीद ये की जा रही है कि INDIA गठबंधन बैठक बेंगलुरु बैठक के प्रारूप का पालन करेगी, जिसमें नेता अगले दिन मुख्य बैठक के पहले 31 मार्च को अनौपचारिक चर्चा में शामिल होंगे। सभा के दौरान पार्टियों में मतभेदों को साझा करने की उम्मीद भी होगी, खासकर उन राज्यों में जहां सीधे चुनावी मुकाबले हैं। अब इस बैठक में मुंबई की ये माना जा रहा है कि लोगो लॉन्च के साथ साथ, जैसे बेंगलुरु की बैठक में नाम सामने आया था INDIA गठबंधन का, ऐसे ही माना यह जा रहा है कि मुंबई में इस गठबंधन का लोगो लॉन्च होगा। इसके साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी जमकर चर्चा होगी। देखना यह है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ये जो पार्टियां अभी साथ दिखाई पड़ रही हैं, ये कितनी साथ नजर आती हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।